To get free video lectures for ECE Gate 2018, subscribe Engineering and press bell icon for more information and update. Hello everyone, welcome to Engineering. मैं हूं सत्यविजय तिवारी. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पार्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं. इसके पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो गेट 2018 के लिए नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमने एक लिंक मेंशन की है, वहां पर जाके आप अपनी सारी क्वेरीज और डाउट को क्लियर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम किन किन मेथड से फाइंड करते हैं. टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. इसके अंदर हमने CF जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स देखी थी. तो आप लोगों ने अभी तक अगर प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करते हैं. तो जैसे कि हमने देखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, यहाँ पे आपके अगर कोई भी कोफिशिएंट है, मान के चलिए ए एन डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन और डी की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट 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 इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन था आपका क्यू जो कि आपके एक्स के फॉर्म में गिवन होगा. अगर यहाँ पे केवल जीरो होता तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बस फाइंड करते थे, लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्यू है या कोई एक्स का फंक्शन है तो उस केस में हम इसके CF प्लस PI दोनों फाइंड करेंगे. तो CF फाइंड करने के लिए हमने जितने भी पॉसिबल मेथड्स थी वो सारी डिस्कस की थी. अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड करेंगे. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है एफ इंटू डी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में. एफ और डी आपका डिनोट करता है ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो फंक्शन होगा उसको, इंटू वाई इक्वल टू क्यू, और क्यू आपका यहाँ पे एक्स का फंक्शन होगा. इसमें हमें अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसके लिए आप लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी. इस तरीके से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे और फिर इसको आप सॉल्व करेंगे. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर 5 से 6 केस हैं, तो एक एक करके हम उन सारे केस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिन केस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस गेट में या अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो अगर हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें गिवन है 1/FD इंटू क्यू की जगह पे अगर आपको एक्सपोनेंशियली फंक्शन गिवन है, मान के चलिए e^ax के फॉर्म में गिवन है, एफ ऑफ डी आपकी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे 1/FE^ax. मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका जो कॉन्स्टेंट होगा a वो आप d की जगह पे पुट करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे. लेकिन इसके लिए एक कंपलसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. जो आपका डिनोमिनेटर है वो अगर हम ए वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तब आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान के चलिए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है d^2 - 3d + 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे e^3x आपको एक्सपोनेंशियली फंक्शन गिवन है. तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो होगा आपके पास 1/f(a). अब a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, 3. तो d की जगह पे हमें 3 पुट करना है जब ये फंक्शन आपका जीरो ना हो. तो इस फंक्शन में हम d की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3^(-3×3+2e^3x). इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/9−9+2×e^3x. तो इसको आप फाइनली लिख सकते हैं e^3x/2. तो ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो इस केस में जो डिनोमिनेटर था वहां पे हमने a की वैल्यू पुट की तो ये आपका जीरो नहीं हो रहा था, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा.
तो ये तो ही आपकी केस वन की बात। अब सेकंड केस हम ले लेते हैं, जब आपका अगर हम ए की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो ये वैल्यू जब आपकी जीरो हो जाएगी तब आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। तो इस केस में मान के चलिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है 1/f(d) (e^ax). तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे x अपॉन एफ डैश ऑफ डी ई टू दी पावर ए एक्स, कब इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो हम डी की जगह पे पुट करेंगे और डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर का एक बार डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर इसमें डी की जगह पे आप ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो जीरो आ रही है, तब उस केस में आपको क्या करना है, एक और एक्स का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का हम दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू ई टू द पावर ए एक्स इफ एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर इस केस में भी हम डी की जगह पे ए की वैल्यू पुट करते हैं और वो जीरो आती है, तब न्यूमरेटर में हम एक और एक्स का मल्टीप्लाई करके इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हम इसको रिपीट करते जाएंगे, न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लाई होता जाएगा और डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे अगर ये वैल्यू आपकी जीरो आती है तो। तो एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपको एक एग्जांपल केवल है, इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली फंक्शन गिवन है ई टू द पावर ए एक्स, तो डिनोमिनेटर में हम डी की जगह पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए इक्वल टू यहाँ पे आपका कितना है, वन है, तो ये हो जाएगा 1³ - p+2 (e^x). तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका यहाँ से 2+1 (3-3), ये आपका जीरो हो जाएगा, तो 1/0 (e^ax) हो गया। जब आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर में आपको एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3d²-3। ये आपका डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन हो गया इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब इसमें भी हमें ए इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं डी की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 3 × 1² - 3 (e^x). तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 0 e^x। तो फिर से आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो गया। अब फिर से जब ये जीरो हो गया तो आपको न्यूमरेटर में एक्स का एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² और जो डिनोमिनेटर है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3d² है, तो इसका हो जाएगा आपका 6d माइनस कॉन्स्टेंट आपका 3 है, तो इसका हो जाएगा 0। ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। अब ए इक्वल टू 1 है आपका यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में आप पुट करके देखते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 0 है या नहीं, तो ये हो जाएगा x² / 6 (1e^x). तो ये हो जाएगा x² / 6 (e^x). तो आपका जो डिनोमिनेटर है इस केस में 0 नहीं है, तो ये आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अगर मान के चलिए इस केस में भी आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तो आप क्या करते, एक बार फिर से न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लाई करते और डिनोमिनेटर को फिर से डिफरेंशिएट करते और फिर उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते। तो ये आपके दो केस हो गए हैं एक्सपोनेंशियली फंक्शन से रिलेटेड। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको देखना है ये एक्सपोनेंशियली फंक्शन गिवन है, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल टू 1/f(d). तो f(d) की जगह पर हो जाएगा d² + 4d + 4 (e^2x) (1) यहाँ पर d² + 4d + 4 (e^-2x)
अब वाई आपका हो जाएगा, ए की वैल्यू है 2 यहाँ पे और ए की वैल्यू है -2 यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा 1/4 + 8 + 4 इंटू ई टू द पावर 2x + 1/4, ये फंक्शन आपका हो जाएगा 4 - 8 + 4 इंटू ई टू द पावर -2x। तो जो y होगा वो हो जाएगा आपका 1/16 e^2x + 1/, ये आपका जीरो फंक्शन हो जाएगा e^-2x। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा उस केस में आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होगा उसमें आप x का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस फंक्शन में न्यूमरेटर में आपने x का मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 2d + 4 e^-2x। अब d की जगह पे हम -2 की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा x/-4 + 4 इंटू e^-2x। इस केस में भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो रहा है, हम फिर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² / 2d का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2 × e^-2x। तो फाइनली जो आपका फंक्शन होगा वो हो जाएगा x² / 2 e^-2x और इसका जो फंक्शन था वो हो जाएगा 1/16 e^2x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा y = 1/16 e^2x + x² / 2 e^-2x। इसके क्वेश्चंस की आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के नए केस में, तो बात करते हैं हम थर्ड केस की। थर्ड केस में टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर यहाँ पे हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन और कॉस के फॉर्म में गिवन है तो 1/f(d), f(d) डिनोट करता है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को, इंटू साइन ए एक्स या 1/f(d) cos ax, इस टाइप से आपका कोई फंक्शन है तो इस टाइप के फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में d² है तो उसकी जगह पे -a² की वैल्यू पुट करके तो आप उसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे जब f(-a² आपका 0 के इक्वल ना हो। तो एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं तब आपको ये केस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है आपका 1/d² - 3d + 2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका फंक्शन है cos x, इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos ax यानी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू जब 1 है और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए d² जहाँ पे भी होगा आपके डिनोमिनेटर में वहाँ पे हमें -a² पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1/d² है आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -1² - 3d + 2 इंटू cos x। d² की जगह पे -a² हमने पुट किया है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - 1 हो जाएगा आपका 1 - 3d इंटू cos x, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो d है d को हम डिनोट करते हैं dy/dx से, और अगर 1/d होगा तो उसको हम डिनोट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx से, तो d हो जाएगा आपका dy/dx और 1/d है तो इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 - 3d इंटू 1+3d डिवाइडेड बाई 1+3d इंटू कॉस एक्स, तो 1+3d और 1+3d का हमने ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 1+3d डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आपका a - b इंटू a+b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² - b² यानी 3d² तो ये हो जाएगा 9d² और ये बचेगा आपका cos x। तो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपका फिर से d² आ गया और फिर से d² को हम -a² से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1+3d इंटू
cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9 और d स्क्वायर की जगह पे माइनस a स्क्वायर यानी माइनस 1 स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 1 प्लस 3d इंटू cos x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 10। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो cos x का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 3d का मल्टीप्लाई होगा cos x में, तो d की जगह पे हम लिख सकते हैं dy dx। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस sin x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप अगर sin ax है या cos ax है तो उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपका f ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं है तो। ये केस हुआ आपका थर्ड केस। इसका फोर्थ केस ये होगा कि अगर f ऑफ माइनस ए स्क्वायर आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो फोर्थ केस हम यहाँ पे इसका डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फोर्थ केस होगा उसमें हम लेके चलते हैं, अगर आपका फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स एंड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। तो ये अगर साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स का फंक्शन है तो डी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करते थे माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इस फंक्शन में अगर आप डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आपका जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है ये हो जाएगा जीरो। जब ये आपका फंक्शन जीरो हो जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियली फंक्शन में भी देखा था, अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा था तो आप न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लाई करते थे और जो डिनोमिनेटर है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते थे और फिर उसको सॉल्व करते थे। वही इसमें होगा, अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे जीरो हो जाता है तो इसको आप सॉल्व करेंगे x का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा आपका 2d और a स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा इंटू साइन ए एक्स। और इसको आप और अच्छे से सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बाई 2 और 1 अपॉन d को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी साइन ए एक्स का हम इंटीग्रेट यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए जो कि आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम और लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a कॉस ए एक्स। साइन वाले केस में लिख सकते हैं, अगर यही सिचुएशन आपके कॉस वाले फंक्शन में आती है यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह पे जब माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ये फंक्शन भी आपका जीरो हो जाएगा, तो इसमें आप न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2d और ये होगा कॉस ए एक्स। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो इसको आप लिख सकते हैं x sin ax डिवाइडेड बाई 2a। तो इस टाइप से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको ये केस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको गिवन है डी स्क्वायर प्लस 4 sin 2x। अब साइन और कॉस के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर आपको पुट करना है, तो ए की वैल्यू है 2 तो डी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 4 यानी माइनस 2 का स्क्वायर तो माइनस 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 4 तो ये तो हो जाएगा आपका 0। जब ये आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इस केस में हमने देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में हम x का मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे तो ये हो जाएगा 2d इंटू साइन 2x। अब 1 अपॉन d है तो साइन 2x का हो जाएगा इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाई 2 और साइन 2x की जगह पर हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाई 4
तो ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू cos 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2। अब cos ax है आपका यहाँ पे, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका cos 2x डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस डी और माइनस 2। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ से हो जाएगी cos 2x डिवाइडेड बाई माइनस 6 माइनस डी। अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 2x डिवाइडेड बाई माइनस 6 माइनस डी, और मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस 6 प्लस डी का न्यूमरेटर में और माइनस 6 प्लस डी का डिनोमिनेटर में। तो जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका न्यूमरेटर में बचेगा माइनस 6 प्लस डी इंटू कॉस 2x, और न्यूमरेटर में हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस बी स्क्वायर यानी d का स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप फिर से देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपका डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर जहाँ भी होगा वहाँ पे हमें माइनस ए स्क्वायर पुट करना है। तो फिर से हम माइनस ए स्क्वायर इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस डी कॉस 2x डिवाइडेड बाई 36 माइनस माइनस 4। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6 कॉस 2x, और d है आपका यहाँ पे, तो d होता है डी बाई डी एक्स, तो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 36 प्लस 4 हो जाएगा आपका 40। तो इसमें आप माइनस 1 अपॉन 20 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा आपके पास 3 cos 2x प्लस साइन 2x। तो ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ये हमने अभी तक 4 केस डिस्कस किए हैं इसके बारे में, इसके 3 केस और रिमेनिंग है तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।